हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग MPADPO से रिलेटेड ऑल डिटेल्स देखेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब डाउट दूर करेंगे। तो 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है MPADPO का फुल फॉर्म क्या है। तो MPADPO का दोस्तों फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MPADPO कहते हैं। और इसे आप कन्फ्यूज ना करें, जैसे इसे यूपी में APU कहते हैं, बिहार में से APU कहते हैं, अभी उत्तराखंड का एग्जाम हुआ वहाँ पर भी APU कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में से ADPO कहते हैं। तो MPADPO का फुल फॉर्म क्या है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट MPADPO एग्जाम। मध्य प्रदेश ADPO एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। मध्य प्रदेश ADPO एग्जाम कंडक्ट करवाता है MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यह एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो आपका जो MPPSC वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला एग्जाम कंडक्ट करवाती है वही एजेंसी, यानी MPPSC आपका MPADPO एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो MP सिविल जज का एग्जाम होता है, आप उससे कन्फ्यूज ना करें, MP सिविल जज कंडक्ट कौन करवाता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो MPADPO कंडक्ट MPPSC करवाता है और MP सिविल जज मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। और मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो इंदौर में है। नेक्स्ट है, MPADPO एग्जाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन। इससे पहले यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होना था, लेकिन अभी पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। MPADPO में 92 पोस्ट थी, लेकिन अब पोस्ट बढ़ाकर 184 कर दी गई हैं। और उसमें लिखा था कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन अब दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब आपका OMR सीट बेस्ड होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो OMR सीट बेस्ड आपका MPADPO एग्ज़ाम होगा, यानी OMR सीट पर होगा, यानी आपको वो गोले भरने पड़ेंगे और 4 ऑब्जेक्टिव इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, MPADPO की एग्जाम डेट क्या है। तो दोस्तों पहले है एग्जाम डेट फिक्स थी, पोस्ट भी फिक्स थी, 92 पोस्ट थी, और पोस्ट का तो पहले से ही लग रहा था कि बढ़ेंगी, पोस्ट तो बढ़ गई, लेकिन आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ गई। कैलेंडर में 5 दिसंबर था और अब डेट आपकी बढ़ गई है। तो MPADPO एग्जाम डेट 5 दिसंबर को, अब आपका एग्जाम नहीं है, नाउ नॉट फाइनल, अब कोई क्लियर नहीं है, या तो जनवरी की लास्ट वीक में, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, या फरवरी में, अब कभी भी हो सकता है। तो आपको जानकारी या डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर 2021 MPADPO एग्जाम कंडक्टेड इन विच ईयर। मतलब जो मध्य प्रदेश ADPO में अभी जो मतलब पोस्ट आई हैं 184 हो गई हैं, मतलब एग्जाम जो आपका 5 दिसंबर का होना था वो बढ़ गया। इससे पहले कब यह एग्जाम कंडक्ट हुआ था, यह क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स के मतलब मन में था। तो ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था, इस बार भी बता दे रहा हूँ, 2015 की जनरल है जो मतलब पोस्ट थी, या एडवर्टाइजमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2016 से, यानी 5 साल हो गए, 5 साल बाद एग्जाम आ रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मतलब यानी 2016 से आपका MPADPO एग्ज़ाम नहीं हुआ दोस्तों, और आप 2022 में यह जा रहा है, तो लगभग आप 6 साल मान लीजिए, 6 साल हो जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम कब आए कोई पता नहीं। ठीक है, MPADPO एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है दोस्तों, पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो इसमें प्री होता है और इंटरव्यू होता है, यानी इसमें मेंस नहीं होता, तो प्री होता है, इंटरव्यू होता है। प्री मतलब आपका पहले पेपर होगा, और जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो देखो इसमें लॉ का पेपर होता है और एक होता है GK का, तो दोनों पेपर होते हैं 450 मार्क्स के, और एक होता है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू 50 नंबर का, यानी इसमें आपको मेंस एग्जाम नहीं देना है। जबकि आप MP सिविल जज की बात करेंगे तो उसमें 150 मार्क्स का पहले प्रीलिम्स देंगे आप, फिर उसमें मेंस के देंगे, फिर मेंस के बाद आपको इंटरव्यू होगा। लेकिन यहाँ पर MPADPO में आपको प्री देना है और डायरेक्ट इंटरव्यू, प्री आपको 450 मार्क्स का होता है, और इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग भी रहती है। 450 मार्क्स में जैसे 300 का आपका लॉ रहेगा और 150 मार्क्स का आपका GK रहेगा, तो 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। आर देयर मेंस एग्जाम इन MPADPO? नो, देयर आर नो मेंस एग्जाम इन MPADPO। अभी देख चुके हैं MPADPO में कोई भी मेंस एग्जाम नहीं होता है, जबकि मेंस एग्जाम किस में होता है, MP सिविल जज एग्जाम में। हाउ मच वेटेज मार्क्स फॉर लॉ एंड GK? अभी देख चुके हैं, लॉ आपका आता है 300 नंबर का और GK आपका आता है 150 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। जो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके लॉ के और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके GK के इस एग्जाम में। हाउ मच टोटल पोस्ट फॉर MPADPO नाउ? तो नाउ डबल हो गई है पोस्ट, यानी पहले कितनी थी 92, अब हो गई है 184 पोस्ट। तो अब आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप लोग बोल रहे थे पोस्ट काफ़ी कम है, अब बढ़ भी गई हैं, अब आप और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आर दे आर माइनस मार्किंग इन MPADPO प्रीलिम्स एग्जाम? या सेट इज माइनस मार्किंग इन दिस एग्जाम? माइनस मार्किंग यानी अगर आप एक राइट आंसर जवाब करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी आप राइट आंसर पर आपको 3 मार्क्स आप गेन करेंगे, लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, और लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं उसको तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, यानी आप सही आंसर देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत आप करेंगे उसको तो 1 नंबर कट जाएगा, आपके जो सही मार्क्स हैं उसमें से आपका 1 चला जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं उसको तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसमें माइनस मार्किंग है, यह आपको स्पेशल ध्यान देना है। लेकिन अगर बात करें MP सिविल जज एग्जाम की, तो दोस्तों उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है।
हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, तो इस एग्जाम में आपको पता ही है कि लॉ डिग्री जरूरी है, तो ये सब आप जानते हैं। कैन अदर स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई, यस, तो इसमें अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई लास्ट डेट फॉर एम पी ए डी पी ओ, तो पहले अप्लाई एप्लीकेशन की लास्ट डेट निकल चुकी थी, लेकिन अभी जो एग्जाम डेट बढ़ गई है, पोस्ट भी डबल कर दी हैं, तो अब इनने फिर से मौका दिया है एम पी पी एस सी ने आपको अप्लाई करने का। तो 3 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अभी आपके पास टाइम है। 3 दिसंबर 2021 से आप 13 दिसंबर 2021 तक एम पी ए डी पी ओ एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों यह पोस्ट जो भी है, यह एडवर्टाइजमेंट है, यह आती है आपकी गृह विभाग के अंतर्गत, यानी होम अफेयर्स, होम डिपार्टमेंट जो भी आप समझें, तो विभाग के अंतर्गत कौन सा विभाग है, गृह विभाग। नेक्स्ट है अप्लाई कैंडिडेट एज, मतलब जो अप्लाई करते हैं कैंडिडेट उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 है, काफ़ी अच्छा है, और शायद इससे पहले जो हुआ था 2016 के आसपास वहाँ पर 24 एज थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब ऐसे थे जिनकी लॉ डिग्री हो चुकी थी लेकिन उनकी एज नहीं थी, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो आपके लिए अच्छा मौका है, जिनकी कम एज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 से 40 तक ही जनरल की मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एक नॉर्मल वे में। इसके अलावा इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, इसमें एज रिलैक्सेशन है वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी में, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर सामान्यता, तो इसमें 21 से 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अधिवर्ष की आयु कितनी है, यानी 62 वर्ष तक इसकी अधिवर्ष की आयु है। नेक्स्ट है कौन सी श्रेणी में है पोस्ट आती है, तो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी में यह पोस्ट आती है। इसके अलावा आपके पद का कर्तव्य क्या होगा एडीपीओ का, तो इसमें मध्य प्रदेश में जिला स्तर, यानी एमपी में जिला स्तर और एवं तहसील स्तर पर दांडिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में राज्य की ओर से लोकहित में आपको पैरवी करना है। तो आप बताइए सीआरपीसी में किस सेक्शन में एडीपीओ और जो यानी एपीओ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है, कौन सी सेक्शन है जो सीआरपीसी में, उसमें एडीपी यानी जो एपीओ है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है, या कौन सा जो भी सेक्शन कौन कौन से रिलेटेड हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एडीपीओ का पद कर्तव्य यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दांडिक मामलों में यानी क्रिमिनल मैटर में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से लोकहित में आपको पैरवी करना है। नेक्स्ट आपका वेतनमान क्या है, जो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो वेतनमान अच्छा है 93,000 और 4,200 ग्रेड पे, तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दे होंगे। नोट, आप उपरोक्त वेतनमान 6वें वेतन आयोग अनुसार है, 7वें वेतनमान में तत्स्थानीय वेतनमान दे होगा, तो जो भी है आप समझ लीजिए इसको, तो ग्रेड पे वेतनमान भी सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए आपको यह वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, शायद पहले भी इससे रिलेटेड हम लोग देख चुके हैं सिलेबस, और आप देख लीजिए, आप साइट पर भी आकर देख सकते हैं। तो सिलेबस में 28 एक्ट रहेंगे आपके लॉ के, और 10 यूनिट में जो लॉ का सिलेबस है, 5 यूनिट में आपका जीके का सिलेबस है। 28 एक्ट हैं लॉ में और जीके में आपके लिए 5 यूनिट आएंगी। तो इसमें जो एमपी जो सिविल जज में जीके आता है वो 20 मार्क्स का रहता है, लेकिन इसमें एडीपीओ में आपको 50 मार्क्स का जीके आता है, जिसमें 35 क्वेश्चन आपके आएंगे जो एमपी से रिलेटेड हैं, और 10 क्वेश्चन आपके इंडिया से रिलेटेड जीके से आएंगे, और 5 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल अफेयर्स वर्ल्ड अफेयर्स से आएंगे। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में भी देखा था। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में कोई और आपके इंपॉर्टेंट डाउट देखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।